हेलो एवरीवन, आज हम 10th मैथमेटिक्स में 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं, ये आपके पास एक छतरी बनी हुई है अम्ब्रेला, इसमें 8 ताने का मीनिंग है जो 8 तारे लगी होती हैं, रिब्स बोलते हैं उसको, और ये बराबर डिस्टेंस पर होती हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्पाट वृत्त मानते हुए, तो एक ऊपर वाले पार्ट को इसको हमने एक वृत्त मान लिया, ये वृत्त मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसमें 8 तारे दिखा देंगे आप। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लिया, ये वन लाइन आप हॉरिजेंटल लगा देंगे आपका डायमीटर, और ये एक और सीधी रेखा इधर से लगा देंगे यहाँ पर, ये लगा रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ये इधर मैंने लगाई है, और इधर जो स्पेस हमारे पास बच गया यहाँ पे भी एक लाइन इधर से लगा देंगे, और इधर से भी जो साफ का स्पेस बच चुका है इधर को भी ये लाइन लगा देंगे, तो आपके पास ये 8 त्रिज्यखंड बन चुके हैं। यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिज्यखंड बन गए हैं। अब आगे देखिए, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्षेत्रफल निकालना है, ये सभी त्रिज्यखंड इक्वल है तो एक का हम निकाल के बताना है, तो यहाँ पे मैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका नाम दे देता हूँ, जैसे एक केंद्र बिंदु है इसका नाम मैं ओ दे देता हूँ, यहाँ पे ए है, एक पॉइंट नाम मैंने यहाँ सेंटर में दे दिया बी एंड सी, तो आपने ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड मैं राइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप, त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी आर, आर इज 45 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। तो अभी देखिए कि इसका हमें कोण की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें कोण की भी जरूरत पड़ती है, तो ये कोण कितने डिग्री का है, टोटल कितने हैं ये देखिए, टोटल ये सेक्टर आपके त्रिज्यखंड 8 है, और एक सर्कल के अंदर टोटल वृत्त कितना, सर्कल के अंदर पूरा कोण, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, तो हम इसमें से कोण निकालेंगे, त्रिज्यखंड का कोण, तो यहां राइट कर सकते हैं आप त्रिज्यखंड का कोण, तो पूरा कोण सारे सर्कल का कोण 360 बटे में 8 सेक्टर है, तो बटे में 8 कर देंगे, तो दिस विल बी, इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री जब काटने के बाद। तो अभी इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसका भी फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, दैट इज थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो अभी देखिए आप आगे कर देंगे इसको, थीटा हमारे पास कितने डिग्री का आया, ये देखिए 45 निकाला हमने, 45 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई का मान हमें 22/7 लेना है, तो ये 22/7 ले लेंगे, त्रिज्या आर फिर से 45 है, तो 45 की शक्ति 2 कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 45, इसको हम आगे काट सकते हैं, जैसे इसको 45 को इसी से डिवाइड करोगे दैट विल बी 8, आगे भी काट सकते हैं, जैसे इसको 2 के इसी टेबल में कट जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और 2 × 8, तो इस प्रकार हमने जो इसको कैलकुलेट करते हुए हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22275 बाई 728, तो बटे में 8 आ गया, तो इसको 4 बथोबड़ा ऊपर लिख दो, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास अभी ये सेक्टर का क्षेत्रफल निकल चुका है, क्योंकि ये सेंटीमीटरों में है और ये क्षेत्रफल है, तो दिस विल बी, अब शक्ति जरूर लगानी है, तो सेंटीमीटर की शक्ति 2 आ जाएगा, बहुत ही इजी वे से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू।